दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आज हम बात करेंगे बवासीर यानी पाइल्स के बारे में, जिसे अंग्रेजी में हेमरॉइड्स कहते हैं। मैं पहले भी इस टॉपिक पर एक वीडियो बना चुका हूं जिस पर बहुत अच्छे व्यूज आए हैं, करीब 8 लाख के आसपास, जिसमें मैंने गन्ने के ताजे रस और अंजीर के फल से बवासीर के इलाज के बारे में बात की थी। इससे बहुत से लोगों को फायदा हुआ, बहुत सारे कमेंट्स भी आए, लेकिन 50% से ज्यादा लोगों का एक ही कमेंट आता है कि ताजा गन्ने का रस मिलना मुश्किल होता है और अंजीर का फल तो मिलता ही नहीं है। तो क्या सूखा अंजीर इस्तेमाल कर सकते हैं जो ड्राई फ्रूट्स के साथ मिलता है? तो इसी परेशानी को दूर करने और इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं इसका एक ऑल्टरनेटिव इलाज लेकर आपके सामने आया हूं। ये एक रेडीमेड देसी इलाज है जिसके लिए आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी ये मेडिसिन आसानी से मिल जाएगी। ये तीनों आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जो एक कॉम्बिनेशन के फॉर्म में है, इसमें 2 कैप्सूल होते हैं और एक चूर्ण के फॉर्म में ये दवाई आती है। लेकिन इससे पहले कि मैं इन दवाइयों के बारे में, उनके फायदे के बारे में, इसके इस्तेमाल के बारे में आपको बताऊं, पहले आपको समझा देता हूं कि भाई बवासीर या पाइल्स एक्चुअल में होती क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग बवासीर और एनल फिशर को एक ही बीमारी समझते हैं। हालांकि ये दोनों अलग अलग बीमारियां हैं, दोनों के लक्षण भी थोड़े से अलग होते हैं और इलाज का तरीका भी अलग होता है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहें आखिर तक मेरे साथ इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए। पहले बात करते हैं कि बवासीर कहते किसे हैं। देखिए, बवासीर की बीमारी में मरीज को गुदा द्वार के आसपास कुछ उभार या सूजन जैसा महसूस होता है, या फिर ऐसा कि कुछ बाहर आ रहा है जब वो टॉयलेट करता है उस समय। इसके शुरुआती लक्षणों में एनस या गुदा द्वार के आसपास इचिंग या खुजली महसूस होना, उसके अलावा गुदा द्वार में कुछ चिपचिपापन महसूस होना, लैट्रिन करते समय मल में फ्रेश रेड ब्लड आ जाना, कुछ मामलों में ब्लड नहीं भी आता है और कुछ मामलों में ब्लड आता है। अगर ब्लड आता है टॉयलेट में तो इसको खूनी बवासीर कहते हैं, और अगर ब्लड नहीं आता है तो इसको बादी बवासीर कहते हैं। अब बात करते हैं बवासीर के टाइप्स के बारे में। देखिए, इसको 2 तरीके से बांट सकते हैं। तो बवासीर या पाइल्स जो है वो मेनली 2 तरह की होती है। पहली होती है इंटरनल हेमरॉइड्स। तो देखिए, अगर हेमरॉइड्स अंदर होते हैं, पाइल्स के मस से, बवासीर के मस से अंदर होते हैं जो बाहर नहीं महसूस होते हैं, तो इसको इंटरनल हेमरॉइड्स कहते हैं। दूसरा होता है एक्सटर्नल पाइल्स। अगर मस से बाहर आने लगे, बाहर महसूस होने लगे, तो उसको एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। बीमारी की सीवियरिटी के हिसाब से इसकी 4 ग्रेड होती है, एक एक करके बात करते हैं। जो पहली ग्रेड होती है वो माइल्ड फॉर्म होती है, हल्की फुल्की स्वेलिंग महसूस हो सकती है, लेकिन वो अंदर की तरफ ही होती है, बाहर ना महसूस होती है ना दिखाई देती है, लेकिन ये ब्लीड कर सकते हैं, ब्लड आ सकता है अगर कॉन्स्टिपेशन होता है ओकेजनली, कभी कभार। ग्रेड 2 जो हेमरॉइड्स होता है वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, बाहर आ सकते हैं लैट्रिन करते समय, लेकिन ये जब आप खड़े होते हैं तो अपने आप ही वापस चले जाते हैं अंदर की तरफ, और ये ब्लीडिंग होती होती है अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है उस समय। ग्रेड 3 की जो हेमरॉइड्स है वो बाहर की तरफ प्रोलैप्स हो जाती है, यानी कि बाहर की तरफ आ जाती है लेकिन अपने आप से बाहर नहीं जाती है। हाँ, अगर आप उसको पुश करते हैं हाथ से मैनुअली तो अंदर ये मस से चले जाते हैं। ये दर्द भी हो सकता है, देखिए इसमें डिस्कम्फर्ट हो और ब्लीडिंग तो होती ही होती है। जो ग्रेड 4 की हेमरॉइड होती है वो सीवियर फॉर्म होती है, ये हमेशा बाहर ही प्रोलैप्स होते हैं, मस से अंदर नहीं जाते। आप पुश अंदर करना भी चाहें तो ये अंदर की तरफ नहीं जाते हैं, और इस वाली कैटेगरी में या ग्रेड में आपको सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि पाइल्स का परमानेंट इलाज क्या है। तो यह है वो 3 दवाइयां जिनके बारे में हमने शुरू में बात की थी, जिसमें नंबर 1 होता है लिवकोन, दूसरा होता है पाइमोल कैप्सूल और तीसरा होता है मेनुलेक्स चूर्ण। इनके अंदर प्योर एक्सट्रैक्ट होता है निशोध की जड़ का, त्रिफला का, सेना लीव्स का, अजवाइन के बीज का और इसबगोल की भिसी का, जो बाउल मूवमेंट को बढ़ा देते हैं, रेगुलराइज करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को कम कर देते हैं और पाइल्स को कंट्रोल करने में बहुत मदद करते हैं, ब्लीडिंग को भी रोकते हैं, और ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही हेमरॉइड्स में काम करता है। आप इसको सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेना कैसे ये भी जान ले, आपको तीनों ही दवाइयों को लेना पड़ेगा। जो ये लिवकोन कैप्सूल है, इसके 2 कैप्सूल आपको सुबह शाम लेने पड़ेंगे खाने से 15-20 मिनट पहले लगातार। जो दूसरा है पाइमोल कैप्सूल, इसके भी आपको 2-2 कैप्सूल सुबह शाम लेने पड़ेंगे लेकिन खाना खाने के बाद। और जो ये तीसरा है, जो मेनुलेक्स चूर्ण है, इसका करीब 1 छोटा चम्मच सुबह शाम खाने के बाद आपको लेना होगा। इसको आप लगातार 1 महीना इस्तेमाल करें और आप देखेंगे कि आपको
कमाल के फायदे, लाजवाब रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और बवासीर से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बस एक ही गुरु मंत्र आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिपेशन ना होने दे, कब्ज ना होने दे। इसलिए दवाई के साथ साथ परहेज करना भी बहुत जरूरी है। परहेज नहीं होगा तो बीमारी ठीक नहीं होगी, समय लगेगा। इसलिए बहुत ज्यादा तला भोजन, ऑयली तेज मसालेदार भोजन बिल्कुल भी ना करें, ज्यादा फाइबर वाला भोजन ही करें, हरी सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा, फलों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपकी बीमारी ग्रेड 3 से 4 की तरफ चली गई है तो देखिए फिर मुश्किल होगा, फिर आपको सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत भी पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, और कमेंट करके जरूर बताएं कि इस दवाई का आपको क्या फायदा मिला है। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो।